हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे इन माय किचन। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग में मैं टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं टिफ़िन में दे रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। मेरी बेटी को ब्रोकोली पसंद है, तो मैं उसको बोलती हूँ ये वाइट ब्रोकोली है, और वो भी बोलती है वाइट ब्रोकोली, तो उस वो खा लेती है, फिर नखरे नहीं करती है। तो ये मैंने टिफ़िन भर दिया है, और फिर मैं अभी यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ हमारे लिए दोपहर के लिए। तो मैं आज गिलकी की सब्ज़ी और बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और ये जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं वो भी उसका पाउडर बना के रख रही हूँ आज। तो इसमें आपको मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेना है, और ठंडा होने के बाद ये कर लेना है, मिक्सर में पीस लेना है। यहाँ पे अब मैं गिलकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने मिक्सर में मिर्ची, अदरक, लहसुन और जीरा उसको पीस लिया है, और वो मैंने तेल में डाल दिया, अच्छे से भून लिया। उसके बाद गिलकी डाल दी है, नमक और हल्दी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी छूटता है, इसमें हम मूंग दाल भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने पाउडर भी बना के रख लिए हैं। फिर मैं अब बैंगन की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। बैंगन को मैंने ऐसे कट कर लिया है और पानी में रख दिया ताकि काले ना पड़ जाए। और आज मैं ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बना रही हूँ। काफ़ी दिनों से ला के रखा हुआ था, बट मैं बनाती ही नहीं हूँ। मूंगफली का तेल ही हम लोग यूज़ करते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो पहले मैं ये बैंगन को मैंने सरसों तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आ जाए। और फिर मैंने मसाला जो बनाया था इसका, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, हरी मिर्ची, तो मैं ग्रीन ग्रेवी में बना रही हूँ, और ड्राई कोकोनट भी डाला है। तो इसको मैं तेल में अच्छे से भून लूँगी। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला। और बैंगन हमारे हाफ से तो ज़्यादा ही कुक है, क्योंकि तेल में हमने अच्छे से उसको फ्राई कर लिया था। तो अभी ज़्यादा देर नहीं कुक करना है, थोड़ा ही देर कुक करना है। तो बहुत ही यम्मी सी हमारी चटपटी मसाले वाली बैंगन की सब्ज़ी तैयार है। फिर यहाँ पे मैं अब रोटियाँ बनाने लगी हूँ। मैं आज फुलके ही बना रही हूँ ये सब्ज़ी के साथ, क्योंकि दोनों सब्ज़ी ड्राई हैं तो फुलके भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए सब्ज़ी हमारी एकदम रेडी है, और फुलके भी मैंने बना लिए हैं। और फिर यहाँ पे रात में मैं अब डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दोपहर का एक डो रखा था रोटी का, तो मैं मेरी बेटी के लिए मेथी का पराठा ही बना रही हूँ। तो वो डो में मैं ऊपर से ही सब मसाले और मेथी उसमें कैसे तो भी ऐड करूँगी, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑलरेडी डो बना हुआ, उसमें वो मेथी ऐड करना, बट मैंने कर लिया वो कैसे तो भी। और अब हमारे लिए मैं मसाले भात बना रही हूँ। तो तेल में मैंने अदरक, लहसुन, प्याज डाल दिया है, इसको अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें मैं डालूँगी खूब सारा मटर, मतलब एक्चुअली मटर पुलाव बनाने वाली थी, बट सोचा कि थोड़ा सा स्पाइसी बना लेती हूँ, तो थोड़ा टेस्टी भी लगता है, अच्छा लगता है। फिर इसमें मैंने डाल दिए खूब सारे मटर। वैसे तो पहले मैं मटर पुलाव बनाने वाली थी, बट सोचा कि चलो स्पाइसी ही बना लेते हैं, नहीं तो फीका वाला पुलाव में ऐसा लगता है उसके साथ कुछ तो चाहिए, कढ़ी वगैरह, इसलिए फिर मैंने ये स्पाइसी वाला ही बना लिया है। तो मैंने सब ड्राई मसाले डाल दिए, उसके बाद मैंने राइस डाल दिया और घी डाला है, और मैं इसको अब अच्छे से भून लूँगी, मतलब तेल, घी और मसालों में राइस को मैं पहले भून लेती हूँ 5 मिनट। और साइड में मैंने गर्म पानी करने के लिए रखा है, और मैं वो डाल दूँगी और ये राइस को कुक हो जाने दूँगी। फिर अब मैं यहाँ पे मेरी बेटी का डिनर का प्लेट लगा रही हूँ। तो वो अंडे का येलो वाला पार्ट नहीं खाती है, ओनली वाइट खाती है, उसको थोड़ा भी येलो नहीं चाहिए वाइट पे, इसलिए मैंने सब अलग कर दिया है। और ये जो येलो वाला पार्ट है हम लोग डॉग्स को दे देते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छे से खा लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ। ये पराठा मैंने बहुत क्रिस्पी बनाया है, तो मैंने 2 बार उसके अंदर तेल लगाया, मतलब एक बार पूरा बेल लिया तेल लगा के अंदर से, फिर से मैंने फोल्ड किया और तेल लगा के बेल लिया, तो बहुत ही क्रिस्पी सा पराठा बना था। और यहाँ पे मैंने उसकी प्लेट लगा दी है, और यहाँ पे राइस भी रेडी हो गया है, मैं वही चेक कर रही थी, और फिर मैंने मेरी भी प्लेट लगा ली है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।